इसमें होता है कोडिंग डिकोडिंग, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है जो हर एग्ज़ाम में लगभग इसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ले शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए। यह हमारा ही चैनल नहीं, सब लोगों का चैनल है। इसमें कोई भी फीस वगैरह कुछ नहीं देना है किसी को। यह चैनल हमेशा के लिए डेली बेसिस पे चलाया जाएगा ताकि आप लोगों को आने वाली परीक्षाओं में गरीब छात्रों को मदद मिल सके। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, चलिए सपोर्ट करते हैं चैनल की तरफ। तो मेन टॉपिक हमारा है कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे बोला जाता है। इसकी मूलभूत परिभाषा होती है, आप लोग कुछ इसके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जाने होंगे तो मैं बेसिक से शुरुआत करता हूँ, आप लोगों को सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कई प्रारूप हैं। एक होता है अंग्रेजी वर्णमाला, काफ़ी क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में पूछे जाते हैं। दूसरा होता है अंकों पर आधारित, तीसरा होता है कूट पर आधारित, चौथा होता है नाम परिवर्तन पर आधारित। किसी विषय वस्तु का नाम दे देते हैं, उसमें कहते हैं कि यह नाम को ऐसे करेंगे या सांकेतिक भाषा में क्या प्रदर्शित करेंगे, वो सब देते हैं। तो इसको हम रख देते हैं नाम परिवर्तन पर आधारित। पांचवा होता है चिन्हों पर आधारित। किसी प्रकार का सिंबल दिया रहता है, उसमें आपसे पूछ लेता है कि कोडिंग डिकोडिंग में कि यह चिन्ह है और इस पर कैसे परिभाषित किया जाएगा, या भेड़ बकरी वाला क्वेश्चन होता है या सामूहिक क्वेश्चन, समूह ग्रुप वाला क्वेश्चन होता है, तो उसमें चिन्हों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। चलिए, तो आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ 5 पोर्शन याद रखना है और यह टाइप ऑफ पार्ट है, यह कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पर बनाए जाते हैं एग्जाम में। एक हो गया आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, ये पहला टाइप, इसको हमेशा इसलिए टाइप में रिपीट कर रहा हूँ यह लोग आप लोगों को हमेशा याद रहे। दूसरा होता है अंकों पर आधारित, तीसरा होता है कूट पर आधारित, चौथा होता है नाम परिवर्तन पर आधारित और पांचवा होता है चिन्हों पर आधारित। तो आप लोगों को पता है कि काफ़ी छोटे क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता था अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर या अंग्रेजी का कंसोनेंट पढ़ाया जाता था, तो इस प्रकार से पढ़ाया जाता था सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। तो आप लोगों को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में लगभग कितने अक्षर होते हैं, कितने होते हैं 26 अक्षर, टोटल कितने होते हैं 6। वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल, चलिए छोड़िए वॉवेल का इसमें यूज नहीं है, जब यूज होगा तो हम उसको बता देंगे आपको। इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे हर कंसोनेंट को तो हम नंबरिंग करके याद नहीं और बार बार लिख नहीं पाएंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 25 और 26। तो इसका हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है जो यह फार्मूला हर जगह यूज होता है, आप लोगों को बस सिर्फ इतना याद रखना है, एक छोटा सा 5 पोर्शन का यह पार्ट है, इसको याद रखना है।
तो इसमें आप देखेंगे, एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, इसको हमेशा याद रखिएगा, ई जी ओ टी वाई। इसमें आप देख सकते हैं इसका नंबरिंग वगैरह करेंगे तो आप लोगों को पता है इसके नंबरिंग में जब भी हम देखेंगे इसको 5 से, इसको 10 से, इसको 15 से, इसको 20 से और इसको 25 से, यह नंबर ही हम इंडिकेट करते हैं। और यह आप लोगों को मालूम है कि ई का कितना होता है, 5 होता है या 5 होता है। इसी प्रकार से जे का कितना होता है, 10 होता है, ओ का कितना होता है, 15 होता है, टी का कितना होता है, 20 होता है और वाई का कितना होता है, 25 होता है। तो आप लोगों को मालूम है, जैसे अभी हम उनसे क्या पूछ लिया किसी परिभाषित भाषा में कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यह नाम दिया है तो डी का स्थान बताओ। आप लोगों को फटाक से याद होना चाहिए कि ई जी ओ टी वाई, ई जी टी ओ 5, 10, 15, 20, 25। तो हमें मालूम है ई के पहले, ई के पहले वाला लेटर क्या था हमारा, तो ई के पहले वाला लेटर आपको याद है कि डी था, इसका नंबर 5 है, एक लीटर पीछे है तो ये कितना हो गया, 4 का हो गया, ठीक। तो चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए रहेगा, और सारे सारे क्वेश्चन हम लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसी प्रकार से हम बताते रहेंगे आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे किस प्रकार होता है। चलिए इसको फिर से लिख देंगे, चलिए देखते हैं। आप लोगों को मालूम है अभी मैंने आपसे बताया एक छोटा सा फॉर्म, टी वाई, सिर्फ 5 लीटर याद रखने हैं आपको, और यह 5 लीटर का नंबरिंग हम जब भी करेंगे 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के हिसाब से हम देख लेते हैं। सेक्शन ए डाल लीजिएगा 40 डिकोडिंग का, और इसमें आप देखेंगे पहला आधार हमारा क्या है, अंग्रेजी वर्ड वाला। अंग्रेजी वर्ड माला पर आधारित, अंग्रेजी वर्ड माला पर आधारित। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेगा, कहेगा यदि किसी सांकेतिक भाषा में, चलिए लिख लेते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RADIO रेडियो का कोड OIDAR ठीक है, उसी भाषा में फैन का कोड FAN का कोड होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोगों को सीधा मालूम है कि रेडियो
किसी यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो का कोड OIDAR है, उसी भाषा में फैन का कोड या अपन को मालूम होगा। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन है, यह अंग्रेजी का शब्द है और शब्द की वर्णमालाओं से बना यह क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपसे पूछा है रेडियो का, दे दिया, चलिए रेडियो का लिख लेते हैं RADIO। आप लोग को मालूम है इसका प्रोसेस क्या किया है, यह क्रम को उलट दिया है, यानी उल्टा कर दिया, यानी रिवर्स कर दिया। तो हम भी इसको क्या कर देंगे, रिवर्स प्रोसेस में लिखेंगे। रिवर्स में यह लेटर फर्स्ट का स्टार्ट है, लास्ट वाला OIDAR, ठीक, जो भी है क्रमवाइज रिवर्स किया गया है, नंबरिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यह रिवर्स प्रोसेस हो गया, यह कौन सा प्रोसेस हो गया, रिवर्स। तो चलिए, आप लोगों से पूछा है कि फैन, फैन का सांकेतिक भाषा क्या हुआ, फैन। तो फैन का कोड आप लोगों को यह एक बेस दे दिया है कि यह इस प्रकार का है और इसको हम इस प्रकार लिखे हैं, यह कोड है, और यह फैन का कोड क्या होगा आप लोगों को मालूम है। तो फैन का कोड अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए आप ही लोग बताइए, NAF। इसी प्रकार से इसका फिर से रिवर्स कर दिया, यह रिवर्स प्रोसेस में आप लोगों का आंसर, चार ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन में जैसे दे दिया AFN, दूसरा दे दिया NAF, तीसरा दे दिया FAN, चौथा में सभी। तो आप लोगों को मालूम है, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि इस प्रकार से इसका कोडिंग रिकॉर्डिंग करते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर दिया है तो रेडियो का कोड ODR से, उसी भाषा में फैन का कोड पूछा है, तो आप लोगों को मालूम है सीधा सीधा दिखाया जा रहा है कि रेडियो, रेडियो का ठीक प्रोसेस उल्टा करेंगे तो हमें ODR मिल जाएगा। इसी प्रकार से सेम बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, फैन को जैसे ही आप रिवर्स करेंगे, यन पहले आएगा, ए बाद में आएगा, उसके बाद क्या है, यफ। फिर अगर मान लीजिए रिपीटिंग, यही मतलब दोबारा यहाँ पे अगर लिख देता, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो का कोड ODR है, ठीक है, उसी भाषा में फैन का कोड डबल यानी द्वितीय बार क्या होगा, अब यह हटा देगा या पूछ लेगा द्वितीय बार क्या होगा। देखिए एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो का कोड OIDAR है, यह तो प्रथम स्टेट में हो गया, उसी भाषा में फैन का प्रथम स्टेट में आप लोगों को मालूम है ये रिवर्स करने पर होगा। अगर इसी में थोड़ा सा ये हटा करके ये पूछ लेगा द्वितीय बार का कोड क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, फैन का सेम प्रोसेस, इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर दोबारा रिपीट करता है तो आप लोगों को मालूम है एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये इसका क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है, यह इसका रिवर्स पॉइंट का क्या हो गया, यह सेकेंड प्रोसेस है। इसी तरह से यह नंबरिंग चलता रहेगा, तो जितने भी ऑड सम टाइम पूछेगा, तीन बार पूछ लिया, तो आप लोगों को मालूम है कि यही रिपीट होने वाला है। इसके बाद जैसे ही उसी प्रकार पूछ लिया, यह सम नंबर हो जाएगा, इसी प्रकार से हमारा एक फार्मूला बनता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ऑड इवन कर सकते हैं, अगर दो बार पूछेगा तो इसका रिवर्स कर देंगे, अगर फोर टाइम्स पूछेगा तो सेम बराबर हो जाएगा, इसी प्रकार से फाइव टाइम्स पूछेगा, सिक्स टाइम पूछेगा, तो यह आपस में क्या होंगे, बराबर होते रहेंगे। तो यह विषम संख्या, ऑड मतलब क्या होता है, विषम संख्या, तो यह विषम
पहला कोड क्या होता है, विषम ही होता है, यानी फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ कोडिंग, फर्स्ट स्टेज ऑफ कोडिंग और या सेकंड स्टेज ऑफ कोडिंग, ऑफ कोडिंग। देखिए इतनी बारीकी से कोई अगर आप लोगों को बता देगा तो आप लोग समझ सकते हैं उसकी बात को। तो बताने वाला एग्जाम में हमेशा हजारों प्रकार का चैनल है, आप लोगों को इस तरह से बताएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो का ऑडियो है उसी भाषा में फैन का कोड क्या होता है, तो आप लोगों को मालूम है सीधा सीधा प्रोसेस वो बता के चला जाएगा। लेकिन ये द्वितीय बार का कोड क्या होगा रिवर्स पॉइंट में पूछ लिया तो आप लोग क्या बताएंगे उसको। तो इस तरह से यह जो भी है हम रीजनिंग के गहराई तक जाते रहेंगे और इसमें आपको मैं वो सारी बातें बताऊंगा जिस प्रकार से आप लोगों को रीजनिंग एकदम हवा की तरह लगेगा, आप क्वेश्चन में ज़्यादा शार्ट करके आएंगे। द्वितीय बार पूछा फटाक से आप लोगों को क्या बोलना है, जैसे जैसे CET बोलिए तो आप लोगों का द्वितीय बार का पूछेगा तो आप लोग बोलेंगे टाइप हो जाएगा, तृतीय बार का पूछा तो आप लोग बोलेंगे CET हो जाएगा, फिर फोर टाइम पूछेगा फिर बोलेंगे टाइप हो गया 1 2 3 4। आप लोगों को मालूम है यह प्रोसेस चलता है, ठीक। तो इस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए इस पर कुछ एग्जांपल करा लेते हैं आप लोगों ताकि हमेशा याद रहे। इसका एक अच्छा सा नोट्स बना लिया है, जो भी मैं पढ़ाता चलूँगा जो बताता चलूँगा उसको आप कॉपी या नोट्स में लिखते चलिए ताकि आप लोगों को परीक्षा के नज़दीक के समय में हमारा क्वेश्चन आसानी से मिल सके और सॉल्व हो सके। आप लोगों को बस सिर्फ एक नोट्स बनाकर चलना है और आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जिस प्रकार से हम पढ़ाते चलेंगे उस प्रकार से आप देखते चलिएगा, हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा और हमारे बच्चे हमारे रिजल्ट में क्या उद्देश्य देते हैं ये देखते हैं आप लोगों से। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल करने से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं एग्जांपल। अभी मैंने आपको पढ़ाया यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसी प्रकार का शब्द दिया है तो जैसे जिस प्रकार का अभी पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि आप लोगों को एग्जाम्पल दिया किस प्रकार से हम कोडिंग डिकोडिंग कर देते हैं और सेकंड वाले में इसी प्रकार का एग्जाम्पल और है। चलिए आप लोग फटाफट कीजिए और बताइए आंसर क्या है। जैसे करा यदि किसी सांकेतिक भाषा में डियर का कोड, डियर का कोड RAPD है तो आप लोग से पूछा है तो टैप का तृतीय कोड क्या है, यानी तीसरी बार का कोड क्या। अभी बच्चा यह क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, अब धीरे धीरे इसको आप हम पढ़ते चलेंगे। कैसे पढ़ेंगे यह हम पे छोड़ दीजिए, आप पे डिपेंड मत दीजिए, हमारे पे छोड़िए हम कैसे आपको बताते हैं और यह आप लोगों को एकदम हवा की तरह लगेगा। तो चलिए देखते हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मालूम है डियर, डियर का सांकेतिक कोड दिया है RAPD, सेम प्रोसेस रिवर्स और सेम प्रोसेस यह फर्स्ट स्टेज हो गया। अगर मान लीजिए बाई वे आपसे पूछ लिया सेकेंड प्रोसेस, तो सेकेंड प्रोसेस में आप लोग क्या करेंगे इसका रिवर्स करेंगे, ठीक। रिवर्स में क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे,
तो जो लास्ट वाला लेटर है उसको हम पहले लिखेंगे, इसके बाद वाला लेटर ई, इसके बाद वाला लेटर ई, इसके बाद वाला लेटर। देखिए सेम प्रोसेस का रिजल्ट आ गया, ये वन टाइम है, ये थर्ड टाइम है, ये पहला का तीसरा से अटैच है इक्वल है और दूसरा का चौथा से इक्वल है। तीसरा स्टेज जो बनाएंगे चौथा लेटर का शब्द जो आएगा तो ये हमारा स्टेज बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस में हम कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं। तृतीय द्वितीय क्या तीसरी बार का कोड क्या है ये आपसे पूछ लेता है, जब हम लोगों को पता रहेगा तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो आपसे पूछा है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोगों को क्लास से ही पता चलेगा। टैप टैप का आपसे पूछा है कि इसका सांकेतिक भाषा में तीसरी बार का कोड क्या होगा, तो तीसरी बार का हम लोगों को मालूम है पहले का स्टेज भी तीसरा आया, सेम प्रोसेस है तो हमें तो मालूम है। हम क्यों इतना ज़्यादा सॉल्व करें, तो हम इसका बता देंगे भाई यही आएगा। अगर बाई दबे हमसे पूछा होता है कि डीआर का कोड रीड है, आर ई डी है, तो टैप का सांकेतिक भाषा में कोड क्या होगा, ये नहीं दिया तो इसको ढक लेते, तो हम क्या करते हैं? तो इसका रिवर्स करते हैं, क्या करते हैं रिवर्स। ये फर्स्ट टाइम का रिवर्स आता है तो लास्ट वाला लेटर को हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं, उसके बाद वाले लेटर को ए लिखते हैं, उसके बाद वाले लेटर को टी लिखते हैं। ये हमारा आंसर। और ऑप्शन में किस प्रकार का ऑप्शन पूछेगा आपसे, मान लीजिए ए दे दिया तो फर्स्ट लेटर में कर देगा भैया ये बताओ, दूसरा कर देगा ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, कुछ भी नहीं या कुछ भी दे सकता या नहीं बोल। तो आप लोगों को मालूम है ये आपसे पूछा नहीं है फर्स्ट टाइम में रिवर्स कोडिंग सांकेतिक भाषा क्या है, तो इस बेसिस पे आप लोग बता देंगे भैया फलाने नाम का यह है तो यह हमारा रिवर्स हो गया, तो रिवर्स का मतलब कुछ लोग यह मार के चले आएंगे ठीक। और जो गहराई तक पढ़ा रहेगा तो वह क्या करेगा, डीआर का कोड आप लोगों को मालूम है, रेड टैप का तृतीय तीसरी बार का कोड आपसे पूछ लिया, यानी तृतीय फलक का कोड पूछ लिया या कुछ भी पूछ लिया, तो हम लोग को मालूम है, हम लोग को ज़्यादा साइड भी नहीं करना है और हम लोग को पता है, हम लोग ताली पढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या है जहाँ पर 30 सेकंड देना है, 30 सेकंड एग्जाम में देना है तो हम लोग कितने सेकंड में करके चले आएंगे, ये ऑप्शन को टिक करने में मात्र 4 से 5 सेकंड लगेंगे, कितने सेकंड लगेंगे 4 से 5 सेकंड, तो हमारा एवं कितना सेकंड टाइम बचा 25 सेकंड, 25 में हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे ठीक है। तो चलिए बताते हैं, तो कुछ लोग यह मान के चले आएंगे जो कि यह गलत है ठीक, जो गहराई तक पढ़ा रहेगा वह एक करके आएगा जो सही है और तीसरे की तो बात हम हो ही नहीं सकते वो क्या करके आएगा। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन जो भी है ये एक छोटी सी क्लास में आप लोगों को ट्रिकी बता रहा हूँ और यह हमारा ट्रिक है, तो हमें ट्रिक मालूम है सांकेतिक भाषा का कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। तो अगर विषम परिस्थिति में पूछ लिया तीसरी बार पूछेगा तो हमें मालूम है पहले वाला आएगा, पांचवी बार पूछेगा तो हमें मालूम है पहली बार आएगा, सातवीं बार पूछा तो हमें मालूम है पहली बार आएगा। अगर सम स्थिति में पूछ लिया कि इसका उल्टा क्या होगा तो हमें मालूम है तो सम नंबर आएगा, यानी इसका रिवर्स आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं रिवर्स बोलते हैं ठीक है। तो इसका उल्टा कर देंगे, अगर उसी स्थिति में पूछा है 1, 3, 5, 4, 6 डॉट डॉट जो भी, अगर मान लीजिए हजारवां शब्द तक पूछ लिया तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे एन बार पूछ लिया, एन बार में जैसे आप लोगों से पूछ लिया 111 बार का कोड बताइए, 111 बार का कोड बताइए, चलिए बताइए क्या हम 111 बार तो आप लोग फटाक से बोलेंगे 111 बार का कोड है, यानी सम का विषम स्थिति में पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, वन वन का मतलब है जो पहली बार दिया है ठीक है।
अगर मान लीजिए 242 बार का कोड पूछ लिया, तो ये बताइए सम नंबर है कि विषम नंबर है, तो यह क्या है? सम डिजिट, सम संख्या। यह क्या है? विषम संख्या। तो सम संख्या में यानी विषम परिस्थितियों में हम कोडिंग क्या कर देंगे? जैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। कहा जाता है ना, अरे भैया वो या वो लड़का उसी विषम परिस्थितियों को झेल रहा है, यानी अपनी स्थितियों को झेल रहा है, तो क्या है? सम दशम। और सम मतलब क्या हो गया? सामाजिक। सामाजिक मतलब सभ्य। तो हम क्या करेंगे? वह इस स्थिति से नहीं गुजर के या अपनी स्थिति से चलता है, ये समाज की कुरीतियों से दूर रह करके अपनी स्थिति में चलता है, इसी को हम सम संख्या कहते हैं। सीधा सीधा शब्द है। तो आप सब सब सकते हैं इसको हम क्या करेंगे, कोडिंग की कोडिंग के माध्यम से हम बता देंगे कि इसका क्या होगा, ये वाला लेटर होगा, ठीक है इसको। तो जो भी बताते चलते हैं उसको आप काफ़ी में नोट करते चलिए, क्योंकि यह चीज़ें सब लोग नहीं बताते हैं, और जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यह हमारी क्लास बहुत ही रुचिकर होने वाली है। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे का वीडियोस बना सकूँ। और आप बताइए कि यह हमारा चैनल किस प्रकार से आपको लगा या किस प्रकार का है, ठीक है। और स्टडी में आपको क्या प्रॉब्लम है वो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है ओके। तो चलिए कुछ आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आप लोगों को। देखिए कभी कभी क्या पूछ लेता है, इसी भाषा सांकेतिक कोड में उसी का है टाइप फर्स्ट वह चल रहा था और यह टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में हम बताएंगे किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। चलिए वो देखते हैं। चलिए टाइप सेकंड में हम देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में उसी क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, यह किसी सांकेतिक भाषा में डीयर का कोड ई एफ वी एस है तो उसी भाषा में टाइप का क्या कोड है, टाइप का क्या कोड कर है। चलिए देखते हैं दूसरी की तरफ कर है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डीयर का कोड ई एफ बी एस है, तो उसी भाषा में टैब का कोड। तो इस तरह से आप लोगों को मालूम है जिस स्टेट में दिया उसी स्टेट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें ना तो सेकंड स्टेट पूछा, ना थर्ड स्टेट, ना फोर्थ स्टेट, किसी भी प्रकार का ऑड इवन नंबर नहीं पूछा है, यानी सब विषम की परिस्थितियों में कोड क्या होगा तो यह नहीं पूछा है हमसे। तो हम उसी स्थिति में आप लोगों को जवाब देंगे, तो इसी स्थिति में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, आप लोगों को मालूम है डियर इसका कोड क्या दिया है, ई एफ बी एस। आपसे पूछा क्या है, टैप का कोड, इसका कोड निकालेंगे। तो आप लोगों को मालूम है जब भी हम कोडिंग करते हैं तो एक सीरियल वाली नंबर से ही करते हैं, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर के साथ देखेंगे,
आप लोगों को मालूम है, अभी मैंने बताया था एजीओटी का फॉर्म, ई से पहले ई के बाद वाला लेटर क्या है, डी के बाद वाला लेटर क्या है, सॉरी डी के बाद वाला लेटर क्या है, ई है, ई के बाद वाला लेटर क्या है, एफ है, ए के बाद वाला लेटर डी है, आई के बाद वाला लेटर एस है। तो आप में बताया है कि एक स्थान यह पहले जुड़ा है, यानी एक स्थान यह आगे जा कर के ई हो जाता है, ई है, एक स्थान आगे होकर जा कर के क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। तो आप लोगों को कोडिंग करने में आसानी होगा। कोड को पहले किस तरह से लिखिएगा, क्या बताता है इसमें, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को आसान कर देते हैं। यानी कि डी के बाद क्या आता है, ई प्लस वन, ई के बाद क्या आता है, एफ प्लस वन, ए के बाद क्या आता है, डी प्लस वन, आई के बाद क्या आता है, प्लस वन। तो हमें मालूम है कि यह एक एक नंबर का सीरीज चलता रहा है, चल रहा है, एक एक नंबर का सीरीज बढ़ता चला जा रहा है, तो हम इसको कोडिंग करने में आसानी होगी। तो चलिए इसी प्रकार से इसका भी कर लेते हैं। इसका किस प्रकार करेंगे, आप लोगों को मालूम है टी के बाद क्या आता है, यू आता है, प्लस वन करेंगे फिर यू हो जाएगा प्लस वन। ए के बाद अभी आप लोगों ने पढ़ा है क्या आता है, बी आता है, बी प्लस वन हो जाएगा, और पी के बाद मालूम है क्या होता है, ठीक लेटर, अंग्रेजी लेटर याद कर लूँगी, ये कोई नहीं बताएगा कि अंग्रेजी लेटर ए बी सी डी में पढ़ाऊँगा तो ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग कम से कम इतना तो याद कर सकते हैं ए बी सी डी में कितने वर्ड या लेटर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, कितने वॉवेल होते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोग देखिए, और जो हमको जहाँ से लेकर चलना है वो हम क्वेश्चन को वहाँ से उठा करके लेके चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान आप लोग सपोर्ट करते रहिए उसी प्रकार से, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया टाइप का, टी ए पी, टी ए पी का रिवर्स पॉइंट एक लीटर आगे है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यू बी पी, इसमें सीधा सीधा बोला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डी आर का कोड ई एफ बी एस है तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि एक एक लीटर आगे है, तो हम क्या करेंगे उसी भाषा में टैप का कोड बता देंगे, ठीक है, उसी भाषा में टैप का कोड बता देंगे। तो चलिए इसी प्रकार से और क्वेश्चन बना लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से। चलिए कुछ आसान बदलते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ दें, सी ए एम ई एल, ठीक, का कोड पूछा है, का कोड कोड दिया है डी सी पी आई एल, ठीक, तो आपसे उसी भाषा में पूछा है हॉर्स का कोड, उसी भाषा में हॉर्स का कोड क्या होगा, चलिए सॉल्व करके बताइए उसके बाद में बताता हूँ। चलिए सॉल्व हो गया, चलिए देखते हैं, लोगों को दिया है टाइम, सी ए एम ई एल टाइम। अभी आप लोगों को बताया जिस प्रकार से कोडिंग करता है उसी प्रकार से हम भी कोडिंग करेंगे इस वाले लेटर का। तो आप लोगों को मालूम है इसका कोड दिया है डी सी पी आई क्यू, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि नंबरिंग करता चला गया है। तो इसमें जब इसका नंबरिंग किया है तो आप लोगों को मालूम है सी के बाद फर्स्ट लेटर चला गया आगे,
जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके क्वेश्चन के हिसाब से और फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर के हिसाब से ही करेंगे क्वेश्चन, इतना ध्यान रखिएगा। और जो लेटर पूछा है रिवर्स, जिस भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पर या आधारित क्वेश्चन, काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। सी के बाद अगला वाला लेटर प्लस वन करके आया। अब इसमें यह दो लेटर आगे जुड़ा है, ए को जोड़ देंगे। बी और सी किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पे, यानी कितना आ गया है वो। इसी प्रकार से यम के बाद पी का स्थान कितना है, यम एन ओ पी, यम का छोड़ देंगे, वन टू थ्री, तो यह स्थान कितना हो, तीन का हो गया। इसी प्रकार से चौथा लेटर को हम देखेंगे, चौथा लेटर कितना स्थान है, ई के बाद आइए, आई के बाद ये प्लस फोर हो गया और ये फाइव हो गया। तो हम लोगों को मालूम हो गया कि यह किस प्रकार का सांकेतिक भाषा में कोडिंग करके हमें बताया है कि क्वेश्चन इस प्रकार से हमको इसका कोड बताना है। एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन ये सीबीआई वगैरह क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेखपाल का क्वेश्चन, यूपी गवर्नमेंट के जॉब में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि हॉर्स का कोड क्या होगा। H O R S, सही लिखा है ना, हॉर्स के स्कूल। चलिए इसका कोड बता दीजिए, इसका कोड, इसका कोड बताएंगे आपको। तो आप लोगों को मालूम है ये फर्स्ट लेटर पर जुड़ा है, प्लस वन, एच के बाद क्या था, आई, यह सेकेंड लेटर पर जुड़ा है, ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू, सेकेंड लेटर, तीसरा लेटर क्या जुड़ा है, एस टी यू, क्या लिखेंगे, यू, प्लस फोर टाइम्स, एस को छोड़ देंगे, एस को डाल देंगे, उसके बाद क्या आता है, टी यू वी डब, चौथे स्थान पर कौन आया, एक दो तीन चार, यहाँ पे क्या कर देंगे, डब। फाइव लीटर्स आगे करेंगे तो इसका कितना जाएगा, जीरो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज की क्लास यहीं तक रख पाएगी, इसके बाद इस तरह से कई प्रकार के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बना करके कोडिंग करके। और चलिए इसका अगले दिन से हम टाइप सेकेंड था, अगले दिन से हम टाइप थर्ड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।